नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ अमिता। खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात बड़ी खबर धनबाद से, जहां पर दोनों कोरोना पॉजिटिव की मरीजों के रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। कुमार धुबी और हीरापुर से मिले थे ये दोनों कोरोना संक्रमण के मरीज। और बड़ी खबर इस वक्त जहां बताया जा रहा है कि दोनों के जो रिपोर्ट है अब नेगेटिव आए हैं। तो दोनों कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। ऐसे में आपको बताएं कि कुमार धुबी और जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आई थी, लेकिन अब नेगेटिव आने की खबर है। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर कह सकते हैं। धनबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जहां संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं लगातार लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच किए जा रहे हैं, उनके रिपोर्ट आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो हम खबर आपको बता रहे हैं धनबाद से, जहां पर दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो रिपोर्ट है अभी नेगेटिव आई है, धनबाद के लिए एक बड़ी राहत की खबर। तो दोनों कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है दूसरे जांच में, और ये धनबाद के लिए भी एक बड़ी खबर है, रात की खबर है, और पूरे झारखंड के लिए भी। लगातार ऐसी कई जो मामले सामने आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव के मरीज नए नए निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो कुछ लोगों के अब नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद सामने आई है, जो कहीं ना कहीं एक राहत देती नजर आ रही है। तो दोनों कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये बेहद राहत वाली खबर पूरे झारखंड के साथ साथ धनबाद के लिए भी। तो आपको बता दें बड़ी खबर, जहां धनबाद में दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट जो है वो अब नेगेटिव आई है, ऐसे में झारखंड के लिए का बड़ी राहत भरी खबर है। इस वक्त हमारे साथ धनबाद से संवाददाता अभिषेक जो है लाइव जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, एक राहत वाली खबर इस बीच मिल रही है कि दोनों धनबाद में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। धनबाद के लिए अभी भी अगर कहें तो धनबाद के लिए सुखद भरी खबर है, क्योंकि धनबाद में पॉजिटिव केस की जो संख्या है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। धनबाद अभी राहत में है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो दो पॉजिटिव पहले से संक्रमित थे उनकी जो दूसरी रिपोर्ट आई है वो निगेटिव आई है। यानी अब 24 घंटे बाद जो है इनकी एक और जाँच होगी, और उस जाँच के बाद अगर फिर से अगर रिपोर्ट निगेटिव आता है तो ये पूरी तरह से तस्दीक हो जाएगा कि अब धनबाद के लिए जो खतरा है वो बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा, क्योंकि ICMR जो है तभी जाके रिपोर्ट देती है जब तीन बार किसी संक्रमित व्यक्ति की जांच हो। तो धनबाद के बारे में आपको बताएं कि पहला मरीज जो मिला था धनबाद के निरसा कुमार धुबी का, ये बाघाकुड़ी जगह है जहां पे ये पहला मरीज मिला था 5 अप्रैल को, और उसकी रिपोर्ट जो है आज जो रिपोर्ट आई है उसकी भी रिपोर्ट निगेटिव है। और दूसरा मरीज 18 अप्रैल को मिला था धनबाद के शहर में, ये हीरापुर DS कॉलोनी रेलवे कॉलोनी है, वहां पर एक दूसरा रेलकर्मी जो पाया गया था 18 अप्रैल को, उसकी जो जांच हुई है आज उसकी भी जांच रिपोर्ट में जो है वो दूसरी जांच रिपोर्ट जो है निगेटिव आई है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों संक्रमित व्यक्ति जो अभी जांच पाए गए हैं इनकी रिपोर्ट निगेटिव होने से एक सुखद एहसास है कि अगर ये तीसरा रिपोर्ट भी अगर निगेटिव आ जाता है तो करीब करीब ये दोनों जो है खतरे से बाहर आ जाएंगे कंप्लीटली, अगर ये उनका जो एक आइसोलेशन पीरियड है वो उसमें रहेंगे, लेकिन उसके बाद इनका जो खतरा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और अच्छी बात एक और है, एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं अमिता, इस वक्त में धनबाद के लिए अच्छी बात कि जो रेलकर्मी थे उनके साथ जो संपर्क में काम करने वाले जो रेल अधिकारी थे, डॉक्टर थे, उनके सहकर्मी, उन्हें 11 की भी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो ये बड़ी खबर है। इस वक्त में न्यूज 11 भारत के जो दर्शक हैं उनको एक बार फिर से बता दें कि धनबाद के दोनों संक्रमित जो मरीज हैं उनकी रिपोर्ट निगेटिव है,
और उनके संपर्क में, खासतौर पे जो रेलकर्मी के संपर्क में आने वाले, जो रेल कर्मचारी के संपर्क में आने वाले सहकर्मी थे, रेल अधिकारी की बात हो, डॉक्टर हो या फिर जो अन्य सहकर्मी, उन सभी की 11 कर्मियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो ये अच्छी खबर है, सुखद खबर है। इस वक्त में हमने धनबाद उपायुक्त से भी बात किया है तो उन्होंने कहा कि तीसरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम लोग ज्यादा इस पर बेहतर बता पाएंगे। अभी तीसरी जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।